हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब पहले से ठीक ठाक मुस्लिम होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो आज हम करेंगे अपने पूरे घर की सफाई, क्योंकि मेरे घर में सब लोग ऑफिस जाते हैं, और जब ऑफिस जाते हैं लोग कितना फैलावा करके जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब। आजकल वेदर कितना अच्छा हो रहा है, तो चलिए जी हम पहले वेदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेदर दिखाएंगे, क्योंकि मैं शहर में खड़ी हुई हूँ, और ये देखिए साथ में हमने सारे कपड़े धो के डाले थे, और बारिश की वजह से ये वापसी गीले हो गए, तो इसको हमने अभी दले रहने दिया ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो आज का वेदर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे कराची का वेदर कुछ इस तरीके का है आज। चलिए जब अंदर चलते हैं। चल अब यहाँ से अब अंदर जाएंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम है, हमने सोफों के ऊपर चादरें डाली हुई, और ये सारे कपड़े और ये सारा फैलावा, ये धुले हुए कपड़े, इसको हमने ड्राई करने के लिए रखे हैं, पानी की बोतलें, सबका हाल ऐसे ही होता होगा। और अब हम जाएंगे दूसरे रूम में। तो ये है एक हमारा दूसरा रूम, इस पर हमने अभी बेड नहीं लगाया हुआ, और ये अभी सोकर उठी हूँ, सब ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने नाश्ता करके सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी हैं, ये सारी ड्रेसिंग मेरी सिस्टर फैला कर चली गई है, सब ऐसे ही। तो अब हम जाएंगे दूसरे रूम की तरफ। ये मेरा भाई सो रहा है, और ये देखिए ये मेरी बहन, सारा कबाड़ मेरी बहन के ऐसे ही पड़ा रहता है। ये एक ड्रेसिंग है, और बस अभी हम इनको हाँ जी, तो आप लोगों ने मेरा घर देख लिया कि किस तरीके से फैलावा करके ये लोग जाते हैं। मैं वापसी से ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। अब हमने सफाई कहाँ से शुरू करनी है, हमने इस रूम से सफाई करना शुरू करेंगे। तो आज आप मेरे साथ घर की मेरी सफाई देखेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स कर दिया करें। चले जी मिलते हैं सफाई करते वक्त। तो झाड़ू हमने पकड़ लिए, अब अपना मिशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। हम जल्दी से फटाफट से वाले रूम को क्लीन करेंगे, और आप लोग देखिएगा मैं किस तरीके से रूम को क्लीन करती हूँ। चलें जी आप लोग देखिए मुझे क्लीन करते हुए। हाँ जी, तो हमने ड्राइंग रूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, और अब बारी आती है हमारे इस बेडरूम की। तो चले जी हमें करते हैं फटाफट से इस बेडरूम को क्लीन, ये सारी चादरें को दे लगाएंगे, तो फटाफट से चलते हैं। हाँ जी, तो हमने अपने टू रूम अच्छी तरीके से क्लीन कर लिए, बारी आ जाती है थर्ड रूम की, तो हम इसको भी करने लगे हैं क्लीन। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो बेड वाला, इसको हम नहीं तेल लगाने वाले, इसको हम नहीं समेटेंगे, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये अभी भी ड्राई नहीं है, हल्के हल्के से गीले हैं। तो इनको मैंने और अच्छी तरीके से फैला दिया है बेड पर, ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर हम हल्के हल्के से गीले कपड़े अपने कबर्ड में तेल लगाकर रख देते तो इसमें स्मेल आ जाती है। तो उसको अच्छी तरीके से फैला दिए, क्योंकि आप सबको पता है कराची में कितनी बारिश हो रही है, कपड़े सूख ही नहीं पा रहे और ज़्यादा गीले हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनको रूम में पूरा फैला दिया। अब हम कौन सा वाला हिस्सा क्लीन करेंगे, हम ये करेंगे क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है इनको सब साफ करेंगे। तो चले जी फटाफट से इनको क्लीन करते हैं। हाँ जी, तो हमने अपने थ्री रूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है हमारे इस बड़े रूम की, यानी कि टीवी लॉन्च की क्लीन करने की। तो चलें जी अब हम करते हैं इन टीवी लॉन्च को क्लीन। वो सामने आपको हमारे सारे जानमाज़ क्रॉनपा के सब दिखेगा, लेकिन आपको हमारे घर में टीवी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे घर में शुरू से टीवी नहीं है। तो चलें जी अब फटाफट से हम इस रूम को करते हैं क्लीन।
हाँ जी, तो हमने अपनी सफाई कंप्लीट कर ली, सारे रूम को क्लीन कर लिया, पोछा भी लगा लिया। पोछे की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप लोग बोर हो जाते कि पहले झाड़ू दिखा दी फिर पोछा दिखा दिया, तो इसलिए झाड़ू पोछा तो अमूमन सभी के घर में होता होगा, तो इसलिए अब मुझे अपनी सफाई खुद करने की आदत है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे नीचे कि मासी है घर के काम करती है, तो अपने काम करने से कोई मासी नहीं हो जाता, अपने घर के काम इंसान खुद करने चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर के काम खुद करूँ, मतलब मुझे तसल्ली नहीं मिलती अगर मैं मासी करके जाए या तब मैं खुद ना करूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आता। होता है किसी किसी को, जब तक वो इंसान खुद काम ना करे तो सुकून बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। तो हमने सारे काम क्लीन कर लिए, किचन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि किचन जो मेरी मम्मी है ना, वो सुबह जब ऑफिस जाती है तो क्लीन करके जाती हैं, तो साफ था इतना, तो इसलिए मैंने किचन की इतनी वीडियो शूट नहीं करी। अगर आप लोग किचन देखना चाहते हैं, और किचन हमारा बहुत ज़्यादा छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी टिकटॉक को फॉलो करें। मैं वहाँ पर टिकटॉक पर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो फटाफट उनको जाकर फॉलो कीजिए। और अब हम क्या करेंगे, अपने प्यारे से मुंह को वॉश करेंगे क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमने सफाई की है तो डस्ट उड़ के हमारे मुंह को चिपकी होगी, तो उसको क्लीन करना लाजमी, अगर नहीं करेंगे तो पिंपल बन जाएंगे, जो कि किसी भी लड़की को पसंद नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। तो चले जी, हम फटाफट से जाएंगे डिंग 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 मुँह वॉश करके वापस आते हैं। हाँ जी, तो मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश किया, और मेरी मामूली से डेली की स्किन केयर होती है तो मैंने वो भी कर ली है। अब नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़्रेश होंगी, फ़्रेश होने के बाद मैं फिर आके आपसे मिलूंगी। जब तक कि आप लोगों ने करना है क्या, आप लोगों ने मैंने करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है, नीचे लाइक भी कर देना है, कमेंट्स भी कर देना है, और फिर साथ ही साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें, और नीचे जितने भी लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में इसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। चलें जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी सी देर का बोल के ना गायब हो गई थी कल, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि मुझे व्लॉग कंप्लीट करना है। तो आज है दूसरा दिन और मेरा फ्रेश लुक है सामने आप लोगों के, और मेरे इर्द और गिर्द दिख रहा होगा आपको कि मैंने सारी क्लीनिंग कर ली सुबह ही उठकर। तो आज का जो वेदर है ना, बहुत ही हसीन हो रहा है, सुबह से हल्की फुल्की सी ना बारिश भी हो रही है। तो चलें जी, चलते हैं टेरेस पर, मौसम के थोड़े से मज़े लेते हैं। तो ये है मौसम की सूरत हाल, ये अभी बारिश होना रुक गई है, और साथ साथ गली भी चेक करें, इतनी VIP गली हो रही है, बारिश के बाद सब गलियों का यही हाल होते हैं यहाँ की। चलें, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आऊँगी मैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।